बाकी का प्रशासन में जो भी इंतजामिया करनी जरूरी है उसके लिए महापालिका MPSL कंपनी और जो कब्रस्तान के जिम्मेदार लोग हैं वो सभी लोगों की आज मालेगांव शहर में मीटिंग ली गई। उन्होंने जो भी उसके सिलसिले में साफ सफाई करना है, अतिक्रमण हटाना है, पुलिस बंदोबस्त लगाना है, ये चीज़ों का हमको बताया। वो सब चीज़ों के लिए हम कल महापालिका के साथ में और MPSL के ऑफिसर के साथ में सभी कब्रस्तान में विजिट करने वाले हैं। उसमें से एहतियातन जो भी चीज़ें करनी जरूरी है वो सभी इंतजाम किए जाएंगे। आज जो है पुलिस कंट्रोल रूम में शब अपराध के ताल्लुक से मीटिंग बुलाई गई, तमाम ही कब्रस्तान के ट्रस्टी हजरात भी हाजिर रहे और पुलिस डिपार्टमेंट जो है SP साहब, डिप्टी और दोनों डिप्टी भी हाजिर थे, पावर डिपार्टमेंट के मंजूमदार साहब थे, कॉरपोरेशन के बचाओ सर और प्रांत ऑफिस के जो दूसरे उनके रिप्रेजेंटेटिव भी आके हाजिर हुए और उन के सामने हमने ये बात रखी है कि चूँकि हमारा मालेगांव जो है एक सेंसिटिव शहर है और माजी में यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट 2006 में हो चुका है और 2008 में हुआ है, तो हर साल इसीलिए हम पुलिस डिपार्टमेंट को और यहाँ से लेकर ऊपर तक के सबकी इस पर तवज्जो मबजूल कराते हैं, उनसे कहते हैं कि यहाँ पर ज़बरदस्त हमको इंतज़ाम कर जरूरी है। हमेशा दो जो है यहाँ पर 3 से 4 लाख लोगों का मजमा आता है और कब्रिस्तान में आने वाले तमाम जब जायरीन हैं उनकी हिफाजत और उनके जान व माल की हिफाजत की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर भी है और यहाँ का मुकामी जो अमला है वो भी इसका जिम्मेदार होता है। ये तमाम बातों पर हमने उनको तवज्जो दिलाई है और मैंने ये बात रखी है कि जुमा से इसे आने वाले जुमा से कब्रिस्तान के बाहर गेट के ऊपर पुलिस डिपार्टमेंट को बिठा दिया जाए, अंदर भी उसको किया जाए, बॉम्ब स्क्वाड को माले कब्रिस्तान के अंदर गिराया जाए ताकि अगर कभी खुदा खास्ता कोई ऐसा कुछ बात हो तो उसका इंतजाम हो सके। बाहर से आने वाले जो फकीर हैं उनके ऊपर भी तवज्जो रखी जाए और उनको शहर में दाखिला ना दिया जाए। रोड के ऊपर जो अतिक्रमण हुआ है उसको हटाया जाए और लाइट जो है उस दिन किसी किस्म की लोड शेडिंग ना हो हमारी और किसी किस्म का कोई मामला पैदा ना हो, इसके लिए भी हमने बात की है। इस तमाम बातों पर अमले ने इसके ऊपर अपनी रजामंदी जाहिर की है और उन्होंने कहा कि हम हर तरीके से कब्रिस्तान ट्रस्ट और इस इंतजाम में हम लगे रहेंगे, आपके इंशाल्लाह किसी किस्म की शिकायत का मौका ना देंगे। मीटिंग बहुत कामयाब हुई है और उम्मीद है अल्लाह के फल करम से और हम भी दुआ करते हैं अल्लाह से कि आने वाला हमारा शब बारात जो है ये अल्लाह ताला खुशहाल जुबी से गुजारे और सबों की जान माल ईमान की हिफाजत फरमाए और हमारे शहर को पुरअमन रखे। अल्लाह तबारक ताला आप सबको हम सबका हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज़।